ईमान के कौन से दर्जे पर हैं? क्या हम गुनाह करते वक्त, गलती करते वक्त, बुराई करते वक्त, झूठ बोलते वक्त, कम तोलते वक्त, हेरा फेरी करते वक्त, सूद का लेन देन करते वक्त, रिश्वत का लेन देन करते वक्त हमारे अंदर एहसास होता है कि यार ये गलत कर रहा हूं, यार ये तो बहुत गलत बात है, यार गुनाह करते वक्त हमें एहसास होता है, बुराई करते वक्त हमें एहसास होता है, बुरे अमल करते वक्त हमें एहसास होता है, या कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा हो तो क्या उस वक्त तेरे अंदर कोई जज्बा पैदा होता है? उसके अंदर तेरा ईमान, उस वक्त तेरा ईमान कहां होता है और तू किस लेवल का तेरा ईमान होता है? उस वक्त तेरे दिल में खौफ बैठ रहा होता है या तेरा जी चाह रहा होता है कि मैं इस बंदे को अंदर से गोलियां गुजार दूं? उस वक्त तेरा ईमान क्या होता है फिर कि जब तेरे सामने अल्लाह के कुरान की मुखालफत की जा रही हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुखालफत की जा रही हो, नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जा रही हो, चाहे बजरिया नेट की जा रही है, चाहे तू अपनी आंखों से नेट पे कोई किसी मैसेज को देख रहे, उस वक्त तेरा ईमान का दर्जा क्या होता है? बस अगर तू उस वक्त खामोश रहा, कहा यार ठीक है ये दुनिया बकबक कर रही है, इसको करने दो, कोई हर्ज नहीं है, तो फिर याद रखो तू ईमान के मामले में फर्क हो गया। हमने ये देखना है कि ईमान से कौन से दर्जे